सिंध हाई कोर्ट ने मनीषियाल स्मगलिंग केस में जायदाद जब्ती के फैसले पर 20 साल बाद स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स का फैसला कलदम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुतालिक अहम तरीन खबर है, सिंध हाई कोर्ट ने मनीषियाल स्मगलिंग केस में जायदाद जब्ती के फैसले पर 20 साल बाद स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स का फैसला कलदम करार दिया है। अदालत ने तारिक इरशाद और जकी पाशा की अपीलें मंजूर कर ली हैं। आपको बता रहे हैं ये फैसला कलदम करार दिया गया है और दरख्वास्त गुजार तारिक इरशाद और जकी पाशा की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने मातहत अदालत की जानिब से बंगला जब्त करने का फैसला कलदम करार दे दिया है। मातहत अदालत ने 2 जून 2004 को ANF की अपील पर मुलजिमान का बंगला जब्त करने का हुक्म दिया था। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। शफी बताइएगा, माजी से हाईकोर्ट में मनीषियाल स्मगलिंग केस में जायदाद जब्तगी के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी और सिंध हाईकोर्ट ने 20 साल बाद जो है वो अपीलों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स का फैसला कलदम करा दे दिया और अदालत ने तारिक इरशाद और जकी पाशा की अपीलें जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है और मातहत अदालत की जानब से जो है वो बंगला जब्त करने का फैसला अदालत ने कलदम करार दे दिया है और अदालत ने जो है वो मातहत अदालत ने 2 जून 2004 को ANF की अपील पर मुलजमान तारिक और जकी का जो है वो PHS में जो बंगला जब्त करने का हुक्म दिया था और मुलजमान ने मुख्य जो बेचेस है जो है वो ANF ने मौके पर इख्तियार किया था कि वो जायदाद बनाई थी, बंगला बनाया था, उसे भी जब्त किया था, जिस पर अदालत ने ANF की अपील पर मामला दिया। बहुत शुक्रिया शफी आपका।